फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने गांव का घर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, पर ये पूरा घर नहीं है, एक और भी इसका पार्ट है, ऑलमोस्ट इससे भी बड़ा है वो पार्ट, पर उसमें बहुत सारे और कामों की चीज़ें रखी रहती हैं और वो दूसरी जगह थोड़ा दूर है, इतनी साफ़ सुथरा नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा दिखाई देती हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं अपने गांव में हूँ, 3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, अभी आज निकलना है, तो मैंने सोचा एक अपने घर का, गांव वाले घर का वीडियो आपके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दिस इज़ द एंट्रेंस और ये पूरा घर है, यहाँ से नंबर 1 मेरा है घर, हमारे मेरा हमारा बरामदा और 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, ये और ये थोड़े बहुत ट्रीज यहाँ पे कोकोनट वाले लगे हैं। कोकोनट नहीं है। अच्छा, ये कार आरो यहाँ पे, ये शायद इधर से बंद है, ये ड्राइंग रूम में, इधर से दिखाते हैं। ये खिड़कियों के शीशे ऐसे भी होते हैं, शीशे की तरह ऐसे ही बना हुआ है। आरू ऐसे मत घूमो बेटा, देखो कैसे घूमता है। ये सोफे थोड़े कवर करके रखे हैं ताकि गंदे ना हो, क्योंकि जब गेस्ट आते तभी मतलब जैसे कि लूज आता है, वैसे तो यहाँ पे इतना मतलब गेस्ट आते तभी ये ओपन कर देते हैं। तो जैसे लोग फोटो चाहिए बीबी बाबा जी के सबके। चलो आओ इस रूम से पर्दा उठाएं। ये सबसे पहले ये रूम डैडी हुआ था हमारे इस घर में, ये सबसे पहले रेडी हुआ था, बाकी रूम्स बाद में रेडी हुआ, उसमें एसी भी लगा हुआ उनके लिए, तो पहले से रेडी था। ये है हमारा हॉल, अभी पैकिंग चल रही है हमारे जाने की, तो इसलिए ये पूरा हॉल है यहाँ पे। चाची जी, और ये है हमारा मंदिर, जय भगवान जी। यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान रखा है। ये है चाची चाची जी का रूम, ये सारा अभी करवाए वुड का काम भाई की शादी में। ये है सारा रूम और पीछे भी यहाँ पे सारा मतलब वैसे ही पूरा पूरे घर के चारों तरफ वो है। और उधर एक दिखाई देती हूँ, उधर एक किचन है, ओपन किचन है जो चूल्हे वाली, और ये पूरा चारों तरफ है। वहाँ पे एक मंदिर भी है जो हनुमान जी का मंदिर है। फिर इधर है मम्मी पापा का रूम, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बैग्स ही पड़े हैं। इस रूम में एसी लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग रहना पसंद कर रहे हैं। ये रहे बाथरूम, नॉर्मल। अभी चलते हैं ऊपर। अच्छा, नीचे ये डाइनिंग है और ये यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज है। यहाँ पे ये है किचन, ये किचन है, चाची जी काम कर रहे हैं ऑलवेज। हाँ जी, दही, पता नहीं वो खांसी सी हो रही, पता नहीं कुछ। हाँ जी, अभी चलते हैं ऊपर। ये 3 फ्लोर्स का है, तो ये फर्स्ट फ्लोर। हाँ, थोड़े कपड़े वपड़े रखे हुए हैं वैसे। ये है भाई का रूम, सो दिस इज द रूम, उसकी लाइट पीछे की ऑन है, इसलिए अभी इन्वर्टर चल रहा है। ये है उसका काफी बड़ा ये रूम, ये क्लोजेट है साथ में पूरा लोगों का। और दिस इज अटैच्ड बाथरूम, ऐसे ही सारे बाथरूम से सेम। हेलो, चलते हैं बाहर। यहाँ पे बहुत बड़ी छत है, एक्चुअली एक छत है, पर मैं ऊपर से दिखाती हूँ छत का। और ऊपर रूम है, यहाँ पे ऐसे ही सामान रखा हुआ बस। ये
यहाँ पे भी स्टोरेज टाइप यूज हो रहा है, ये सारा कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। फिलहाल तो शादी में ही सारा घर अच्छे से यूज हो जाता है। बहुत धूप है बाहर। ये एक्चुअली थर्ड नंबर पे, इसके ऊपर भी एक छत है। ये है फर्स्ट, ये नीचे वाली छत है, ये ऊपर वाली छत है। ऊपर वाली छत भी काफ़ी बड़ी है, चारों तरफ बनी। वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे इशू का रूम है, एंड दिस इज थर्ड फ्लोर। काफ़ी पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से। धूप में आई हूँ आप लोग घर दिखाने के लिए। और चलिए ऊपर भी दिखाई देते हैं, सबसे ऊपर। ये रहा, हम लोग पहुँच गए सबसे ऊपर, फोर्थ मंजिल पे पहुँच गए एक्चुअली। ये रही, वो रहा फर्स्ट फ्लोर, पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड, सेकंड फ्लोर, ये सबसे ऊपर। यहाँ पे टंकियाँ, पूरा ऑलमोस्ट गांव दिख रहा है यहाँ से। हमारा घर ही सबसे ऊंचा है। चलिए नीचे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा गांव वाला घर मेरा। काफ़ी धूप है, मैं नीचे चलती हूँ। ये कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने दिखाई दिया, अगर कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। अभी घर एकदम डेकोरेटेड नहीं था क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो, और अभी हम लोग थोड़े दिनों से यहाँ पे आए हुए हैं। सो और अभी निकल रहे थे तो पैकिंग वैकिंग सब चल रही थी, नहीं तो जिस दिन हम लोग आए थे तब घर बहुत मस्त लग रहा था उस दिन, पर मैं शूट नहीं कर पाई। सो आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग देख के अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देना, चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।